हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3 के पार्ट 4 को। अगर आपने इसके पिछले वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 7 और 8 के साथ। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जब काजुया और चिजुरू मूवी का लास्ट सीन शूट करके वापस अपने शहर आ रहे थे, तभी वहां रूका आ जाती है और उन्हें साथ देखकर काजुया को डांटने लगती है। अब मूवी का शूट पूरा हो चुका था, इसीलिए काजुया ने मूवी एडिट होने के लिए भेज दी थी। काजुया अपना कुछ काम कर रहा था, तभी बाहर रूका आ जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और काजुया ने उससे वादा किया था कि वो उसका बर्थडे जरूर यादगार बनाएगा। फिर रूका बताती है कि उसने पहले ही सारे प्लान बना लिए हैं, इसीलिए काजुया को सिर्फ उसके साथ चलना है। जिसके बाद रूका और काजुया स्विमिंग पूल पर पहुंच जाते हैं, पर काजुया काफी परेशान हो रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूका उससे क्या करवाना चाहती है, क्योंकि रूका ने उसकी हर बात मानने का पहले ही प्रॉमिस ले लिया है। फिर रूका बिकनी पहनकर काजुया के पास आती है और उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है। काजुया रूका को बिकनी में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रूका काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ तक कि पूल के सभी लोग सिर्फ रूका को ही देख रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। काजुया को विश्वास नहीं हो रहा था कि रूका उसकी ही गर्लफ्रेंड है। फिर काजुया बाथरूम के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन जब काजुया वापस आता है तो रूका उसको उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने का कहती है। ये सुनकर काजुया काफी घबरा जाता है क्योंकि रूका को छूते ही वो फट जाएगा। फिर रूका कहती है कि हर बॉयफ्रेंड यही करता है तो उसे भी करना चाहिए, जिसकी वजह से काजुया के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और उसे रूका की बात माननी पड़ती है। काजुया सनस्क्रीन लगाने लगता है, पर उसे काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि रूका की स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट थी, साथ ही रूका भी काफी शर्मा रही थी। फिर काजुया जल्दी से क्रीम लगाकर जाने लगता है, पर तभी रूका उसे रोकती है और काजुया को उसकी टांगों पर भी क्रीम लगाने को कहती है। ये सुनकर काजुया और ज्यादा परेशान होने लगता है, पर उसे फिर से रूका की बात माननी पड़ती है और वो अपने आप को समझाता है कि वो सिर्फ रूका की मदद कर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। काजुया क्रीम लगाने लगता है, पर तभी क्रीम खत्म हो जाती है और काजुया सीधा पूल की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं जो काजुया को काफी महंगी पड़ी थी। फिर रूका काजुया को अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाती है। फिर वो दोनों रात में बड़े से होटल में जाते हैं। रूका काफी खुश होती है इतने अच्छे होटल पर आने के लिए, लेकिन काजुया को वो काफी महंगा पड़ रहा था। फिर रूका काजुया से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगती है, पर काजुया के पास कोई गिफ्ट नहीं था, जिसकी वजह से रूका बहुत उदास हो जाती है और काजुया पर चिल्लाने लगती है। आखिर में रूका और काजुया लेक के किनारे आ जाते हैं, जो कि कपल्स का काफी अच्छा डेटिंग स्पॉट है। काजुया समझ जाता है कि रूका ने जानबूझकर यह जगह चुनी है। फिर काजुया रूका से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बिना बताए चिजुरू के साथ ट्रिप पर चला गया था, पर रूका काजुया को उदास होता देख उसे मारती है और कहने लगती है कि उसे बुरा जरूर लगा था, पर इससे वो काजुया या चिजुरू से नफरत नहीं करती। फिर रूका बताती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके बर्थडे पर उसे एक प्रिंसेस की तरह प्यार करे, इसीलिए उसने काजुया से वादा करवाया था, पर वो उसे मजबूर नहीं करेगी। उसे चिजुरू की हेल्प करने में भी काफी अच्छा लगा था क्योंकि सब लोग इतनी मेहनत कर रहे थे। काजुया सोचता है कि रूका कितनी अच्छी लड़की है और वो उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। फिर कुछ बातें करने के बाद रूका और काजुया जाने लगते हैं। जाते हुए रूका काजुया से हाथ पकड़ने का पूछती है, काजुया भी इसके लिए मान जाता है और दोनों चलने लगते हैं। तभी रूका काजुया को रोकती है और उससे परमिशन मांगने लगती है। काजुया को लगता है कि रूका उसे फिर से किस करने वाली है, इस वजह से काजुया घबरा जाता है, पर रूका काजुया से पूछती है कि क्या वो उसे बेबी बुला सकती है। काजुया को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता और वो इसके लिए मान जाता है। रूका ये सुनकर काफी खुश होती है और वो उसे बेबी बुलाने लगती है। अगले दिन सुमी चिजुरू को हॉस्पिटल में जाते हुए देखती है तो वो भी उसके पीछे जाने लगती है। चिजुरू अपनी दादी से मिलने आई थी और वो उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। फिर चिजुरू की दादी उसे उसकी माँ के बारे में बताने लगती है, जो कि बिल्कुल चिजुरू की ही तरह थी, अपने काम को लेकर हमेशा सीरियस रहती थी और काफी ज्यादा क्यूट भी थी। फिर चिजुरू बाहर आ जाती है और सुमी को देखती है, जो उसकी दादी के लिए फ्लावर्स लाई थी। फिर चिजुरू को पता चलता है कि सुमी ने भी उसकी मूवी के पैम्फलेट्स बांटने में हेल्प की थी। आगे सुमी बोलती है कि काजुया ने पैम्फलेट्स बांटने में काफी ज्यादा मेहनत की थी, काम आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था और साथ ही काजुया के बिना ये काम कभी पूरा भी नहीं हो सकता था। जिसके बाद चिजुरू सुमी को अपनी दादी से मिलवाने ले जाती है, हालांकि सुमी काफी ज्यादा शर्मा रही थी। फिर चिजुरू की दादी सुमी से कुछ बातें करती है और सुमी यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चिजुरू अपनी दादी को मूवी की शूटिंग के बारे में बताने लगती है कि शूटिंग में उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन काजुया ने उन सबको दूर कर दिया।
काजुया ने मूवी के लिए काफी मेहनत की थी, यहाँ तक कि एक सीन के शूट के लिए वो नदी में भी गिर गया था। चिज़ुरु काजुया के बारे में बताते हुए काफी खुश लग रही थी, जो देखकर दादी भी काफी खुश होती हैं। फिर दादी चिज़ुरु से कहती हैं कि वो काजुया से काफी ज्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि काजुया यहाँ है भी नहीं, पर फिर भी चिज़ुरु सिर्फ उसके बारे में बात करके भी बहुत ज्यादा खुश लग रही है। चिज़ुरु ये बातें सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन मिनी काजुया के घर आती है और उससे ट्रिप पर जो हुआ उसके बारे में पूछने लगती है, क्योंकि मिनी को लग रहा था कि उन्होंने होटल में जरूर वो सब किया होगा। लेकिन फिर काजुया उसे बताता है कि उनके बीच वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर मिनी को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसने उनके लिए बेस्ट होटल बुक किया था। पर काजुया बताता है कि चिज़ुरु को इन सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, और साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी मूवी का काम था। ये सुनकर मिनी को काफी दुख पहुंचता है, क्योंकि उसका सारा प्लान बेकार चला गया था। और फिर मिनी कहने लगती है कि जो लोग होटल के रूम में भी कुछ किए बिना आ जाते हैं वो तो हमेशा दोस्त ही रह जाते हैं। तभी चिज़ुरु अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है, फिर वो उन्हें कहने लगती है कि वो दोनों काफी जोर जोर से बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे काफी मुश्किल हो रही है। फिर मिनी बताती है कि वो दोनों मूवी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। फिर चिज़ुरु भी काजुया से मूवी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रूका आ जाती है और काजुया को काफी गुस्से में देखने लगती है। काजुया और चिज़ुरु दोनों ही रूका को देखकर काफी डर जाते हैं। फिर रूका स्माइल करते हुए उन दोनों को बहुत कुछ सुनाती है और काफी गुस्से में काजुया को रूम के अंदर ले जाती है। कुछ दिनों के बाद काजुया, चिज़ुरु और उसकी दादी उस सिनेमा हॉल में जाते हैं जहाँ चिज़ुरु की मूवी की पहली स्क्रीनिंग होने वाली थी। दादी को पता चलता है कि वहाँ पूरी 200 सीट्स हैं। यहाँ वो सारे लोग आने वाले हैं जिन्होंने फिल्म के लिए डोनेशन दिया था, लेकिन फिल्म 30 सितंबर को कंप्लीट होगी। ये सुनकर दादी काफी खुश होती हैं कि वो चिज़ुरु को इतने बड़े पर्दे पर देखने वाली हैं। चिज़ुरु की दादी इतनी खुश होती है कि उनकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। फिर चिज़ुरु बाथरूम का कहकर वहां से चली जाती है, और वो भी काफी खुश थी अपनी दादी को खुश देखकर। जिसके बाद दादी काजुया को थैंक्स करती है और कहती है कि उसके बिना ये मूवी कभी नहीं बन सकती थी। साथ ही वो और चिज़ुरु काफी खुश हैं काजुया जैसे इंसान को अपने पास पाकर। पर काजुया ये सोचने लगता है कि वो इतने टाइम से इतनी अच्छी इंसान से झूठ बोल रहे हैं। वो उनसे कहता है कि वो बस चिज़ुरु की मदद करना चाहता है, भले ही वो उसका बॉयफ्रेंड रहे या नहीं। और ये सुनकर उसकी दादी और खुश हो जाती हैं। जिसके बाद चिज़ुरु और दादी साथ बैठे होते हैं। दादी उससे पूछती हैं कि ये सपना पूरा करना कहीं उसके लिए बोझ तो नहीं बन रहा। जिस पर चिज़ुरु बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो इस काम को काफी एंजॉय करती है। फिर चिज़ुरु कॉफी लेने चली जाती है। अब दादी को चिज़ुरु के दादाजी की याद आ जाती है। वो उनसे कहती थी कि चिज़ुरु का साथ ना दे, क्योंकि एक्ट्रेस बनना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि सपने सच होते हैं और एक दिन चिज़ुरु बड़े पर्दे पर जरूर आएगी। वैसा ही होने वाला है। चिज़ुरु जल्दी ही अपनी बेस्ट एक्टिंग के साथ सभी दर्शकों का दिल जीत लेगी और वो स्टार की तरह चमकेगी, ठीक जैसा उसके दादा चाहते थे। दूसरी तरफ काजुया बाथरूम में होता है और वो सोच रहा था कि जल्दी ही एडिटिंग का काम पूरा हो जाएगा और दादी चिज़ुरु को स्क्रीन पर देख पाएंगी। फिर काजुया बाहर आता है और वो देखता है कि चिज़ुरु उसका इंतजार कर रही है। चिज़ुरु काजुया को एक बार फिर थैंक्स करती है, क्योंकि उसकी दादी आज बहुत खुश हैं। और फिर वहां से वो कॉफी लेने चली जाती हैं। लेकिन तभी सभी लोग एक बेहोश लेडी को देख रहे होते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि चिज़ुरु की दादी ही थी, जो कि जमीन पर पड़ी थी। तभी वहां काजुया और चिज़ुरु आ जाते हैं और दादी को ऐसे देख चिज़ुरु बुरी तरह से शॉक हो जाती है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर दादी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दादी की अचानक हुई खराब तबीयत की वजह से काजुया और चिज़ुरु काफी ज्यादा परेशान दिख रहे थे। फिर चिज़ुरु बाहर आती है। काजुया उससे दादी के बारे में पूछता है, पर चिज़ुरु उसे बताती है कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि उनका आज की रात निकाल पाना भी काफी मुश्किल लग रहा है। काजुया ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आज चिज़ुरु की दादी शायद नहीं बच पाएंगी। फिर चिज़ुरु काजुया से माफी मांगती है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके मूवी बनाई लेकिन शायद उसकी दादी उसे देख नहीं पाएगी। पर चिज़ुरु को कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसने अपना 100% दिया है। पर काजुया जानता था कि चिज़ुरु अंदर से काफी दुखी है, क्योंकि दादी के अलावा उसकी और कोई फैमिली नहीं है। उसने रेंटल गर्लफ्रेंड का काम किया, एक्टिंग क्लास ली, सस्ते अपार्टमेंट में रही, दिन रात मेहनत की सिर्फ अपनी दादी के लिए, तो अब ये स्ट्रांग होने का दिखावा क्यों? चिज़ुरु आगे कहती है कि उसे मूवी पर काम करने में काफी ज्यादा मजा आया, साथ ही सभी लोगों ने उसे काफी सपोर्ट भी किया, जिसके लिए वो उन सभी को थैंक्स करना चाहती है। फिर चिज़ुरु वापस दादी के पास जाने लगती है। तभी काजुया चिज़ुरु से पूछता है कि क्या दादी अभी होश में है। चिज़ुरु बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि दादी सुन तो सकती है, पर वो किसी को किसी बात का जवाब नहीं दे सकती।
सकती। काजुया कहता है कि उन्हें दादी को बता देना चाहिए कि वो सच में रिलेशनशिप में नहीं है। चिज़ुरु ये सुनकर काफी हैरान होती है और पूछने लगती है कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। फिर काजुया कहता है कि दादी ही चिज़ुरु की आखिरी फैमिली है, और अगर उन्होंने दादी को अब भी उनके रिलेशनशिप के बारे में सच नहीं बताया तो ये दादी के साथ काफी गलत होगा। चिज़ुरु बोलती है कि वो काजुया को कोसते हुए भी मर सकती है, पर काजुया इसके लिए तैयार था। फिर काजुया कहता है कि अगर उन्होंने दादी को अभी सच नहीं बताया तो शायद आगे वो कभी सच बता भी नहीं पाएंगे, और आगे चलकर शायद चिज़ुरु को ही इससे काफी दुख होगा। पर चिज़ुरु ऐसा कुछ करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी दादी के आखिरी टाइम पर किसी तरह का दुख उन्हें देना नहीं चाहती। ये कहकर चिज़ुरु वापस अपनी दादी के पास चली जाती है। काजुया सोचने लगता है कि वो चिज़ुरु और उसकी दादी के लिए क्या कर सकता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो भागते हुए कहीं चला जाता है, और चिज़ुरु अपनी दादी के पास ही होती है, और एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दादी मूवी देख पाएंगी या नहीं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। और यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।